बच्चों कक्षा द्वितीय में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख रहे हो आपके साथ आज पाठ दो है। यहाँ हम बता रहे हैं आपको पाठ तीन, ठीक है। ये आपकी पुस्तक है, आपको दिख रही होगी ये पुस्तक। अब हम आपको बताते हैं इस पाठ से संबंधित थोड़ी सी छोटी सी संक्षिप्त कहानी, ठीक है। आपको संक्षिप्त सारांश बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपने किस तरह से कॉपी में लिखेंगे, तो सबसे पहले आप अपने शीट अनु कॉपी में एक छोटा सा मोनोग्राम बनाएंगे, जो मैंने यहाँ बनाया आपको दिख रहा है। फिर आप अपनी कॉपी में CW के साथ और डेट लिखेंगे, यहाँ पे पाठ का नंबर देंगे, यहाँ पर पाठ का नाम देंगे, यहाँ शब्दार्थ देंगे, फिर यहाँ पे ये लिखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ है जॉब में दीदी जमीन न, जमीन मीन्स होता है धरती, जमीन का मतलब धरती, इस्तेमाल का मतलब प्रयोग, उच्च का मतलब ऊंची, शक्ति का मतलब ताकत, देहांत का मतलब मृत्यु, आश्चर्य मतलब हैरान, आखिर मतलब अन्न। ये आपको PDF के रूप में आपके वो व्हाट्सएप पे जाएगा, आप इसे अपने CW कॉपी में लिख लेंगे सुंदर से, ठीक है। अब आपको पाठ से संबंधित कुछ कहानियां बता देंगे बाबू। ये जो पाठ है हम लोगों का, पाठ का नाम है न्यूटन। अब न्यूटन का नाम सुनेंगे कि वो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, आप सुने होंगे। थोड़ी सी छोटी सी बात हम उनके बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं जिज्ञासा चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण हमें सबसे अलग करता है और नई नई बातों को खोजने की प्रेरणा देती है। हमारी जिज्ञासा जो है ना, वो आपको अपने यदि जिज्ञासा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो बहुत पुरानी बात है, एक दिन एक बाग में एक आदमी बैठा हुआ था, वो अचानक एक पेड़ से, वो बाग में बैठा हुआ था और अचानक एक पेड़ से एक सेब टूटकर गिर पड़ा, तो वो सोचने लगा, वो बहुत ध्यान से उस चीज को देखा और सोचने लगा कि ये जमीन पर ही क्यों गिरा, आकाश की ओर क्यों नहीं गया। वो आदमी जो है सोचने लगा, जो बाग में बैठा हुआ था, कि ये जो है सेब ये नीचे ही क्यों गिरा, जमीन पर ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, आकाश की ओर। तो वो सोचने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था बच्चों, वो सोचने वाले महान व्यक्ति आइज़क न्यूटन ही थे, जिन्होंने ऐसा सोचा था। वो हमेशा कुछ अलग अलग सोचते रहते थे। वो जब जन्म लिए थे तो वो बचपन से ही कमजोर थे, वो जब जन्म लिए थे तो ही कमजोर थे, किसी को भी उसके बचने की आशा नहीं थी। न्यूटन के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया, ठीक है। तो माँ जो थी वो न्यूटन को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन न्यूटन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो हमेशा किसी नई चीज़ के बारे में सोचते थे। और न्यूटन का पढ़ाई में मन थोड़ा वो कमज़ोर थे, अधिक परेशानी नहीं झेल पाते थे, इस कारण भी नहीं लगता था। वो बचपन से ही कुछ अलग करने की कोशिश में लगे रहते थे। वो एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना ली और चक्की को चलाने के लिए उसने डिब्बे में बंद चूहे का इस्तेमाल किया, इस चूहे की उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। जब वो बंद चूहे को डिब्बे में रख के उसका प्रयोग किए जिससे चूहा कूदता था, इस टाइप वो चक्की चल पड़ती थी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई, सभी उसकी बनाई चीज़ों को आश्चर्य से देखते थे। यही थे हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन। वो उनके बारे में मतलब न्यूटन ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जब उसने जब पेड़ सेब को जमीन पे गिरते देखा तो वो फिर यही बात सोचे कि पृथ्वी, उस वो सोचे कि आखिर पृथ्वी में कितनी शक्ति है, इस बात पे वो सोचने लगे और इससे आगे की नए आविष्कार के लिए खोज करने लगे। और वो विज्ञान और न्यूटन ही विज्ञान को एक नई दिशा में ले गए। तो ये कहानी हम आपको संक्षिप्त में इसका सारांश बताए हैं, इससे आगे आपको हम फिर से बताएंगे पार्ट टू।
वीडियो में ये आपका पार्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है और ये आपके सीडब्ल्यू में करने के लिए वर्क है। अब आपको हम बताएंगे पार्ट टू के वीडियो में कि मतलब इससे आगे क्या नीटिंग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अब हमने सीडब्ल्यू कॉपी में इस तरह सुंदर से लिख लेंगे और फिर आप एच डब्ल्यू कॉपी में इस तरह से नए एच डब्ल्यू लिख के वहाँ डेट देंगे, पाठ का नंबर, ऐसे नाम, फिर नया सब ऐसे एच डब्ल्यू कॉपी में लिखेंगे, नया सब देंगे, फिर से ऐसे लाइन देंगे जो आप अपने कॉपी में पेन फिर किसी चीज को तीन बार लिखेंगे जो आपके पीडीएफ के रूप में हम आपको भेजेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस टाइप से हम किए हैं कि आप अपने एच डब्ल्यू कॉपी में इस तरह से करेंगे। ये हम आपको बताए हैं कि आपको किस तरह करना है। पीडीएफ के माध्यम से ये पार्ट तीन का आपके पास जाएगा। फिलहाल आप सी डब्ल्यू में इसको कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।